नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 45,668 की और कल की क्लोजिंग से बैंक निफ्टी ने आज 258.2 पर जाके क्लोज किया। देखिए, बैंक निफ्टी ने यहां पे इनसाइड कैंडल बनाई है। जैसा कि मैंने बताया था कि कल वाली जो कैंडल थी वो काफ़ी बड़ी कैंडल बनी थी, तो इनसाइड कैंडल बनाया। जब मार्केट जब इनसाइड कैंडल यानी कल के हाई और कल के लो के बीच में ट्रेड करता है ना, तो वहाँ पर ट्रेड निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। संभल के ट्रेड करना पड़ता है, छोटी सी क्वांटिटी में ट्रेड करना पड़ता है। ये सब सारी चीज़ें आप समझ लो। अगर ये चीजें आप लोग नहीं समझते हो ना, तो बड़े जो लॉसेस होते हैं वो ऐसे ही दिन में होते हैं जाके, जहां पे आपको ट्रेड समझ में नहीं आते। तो हमेशा जब ट्रेड समझ में आए तभी ट्रेड करो। देखिए, सुबह एक बार एक मूव दिया, ये लगभग 640 642 के आसपास, नीचे की तरफ एक बार आया ये 500 के आसपास। तो उसके बाद अगर दोनों लेवल को इसने ब्रेक नहीं किया, तभी मैंने आप लोग को अपडेट करके बता दिया था कि लगता है बैंक निफ्टी आज ट्रैप करेगा। ट्रैप करने का मतलब ये होता है कि वो ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा, लेकिन मूव किसी तरफ नहीं देगा और जाके वहीं पर क्लोज हो जाएगा। देखिए, अगर एक तरफ ये SLB कर दे और दूसरी तरफ मूव दे देना तो समझ में आता है, लेकिन ये जब हाई लो के बीच में ट्रेड करता है ना, तो ज्यादातर दिन यही कंडीशन बनती है कि ये ट्रेड को फंसा देता है, यानी इंट्राडे में आपको ये ट्रैप करता है। तो इन सब चीजों को जरा समझिए। जब बड़ी कैंडलें जब बनती हैं, जब भी किसी दिन बाइंग साइड की बड़ी कैंडल बने या सेल साइड की बड़ी कैंडल बने और मार्केट उसके बीच में ट्रेड कर रहा है ना, तो शांति से ट्रेड करें और छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करें, तभी आपको पैसा यहां पर बनते हुए दिखेगा। ऊपर की साइड में बैंक निफ्टी में ऑलरेडी ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस एरिया यही है कि 45,900 ये रेजिस्टेंस एरिया का काम करेगा। नीचे की तरफ जो सपोर्ट है वो आपको यहां पर 300 का है। बैंक निफ्टी क्लोज बीच में है, तो मुझे नहीं लगता है कि बैंक निफ्टी ये अपर साइड और लोअर साइड को कल निकाल पाएगा एक्सपायरी के दिन में। मुझे लगता है इसी के बीच में जाकर के कहीं पे एक्सपायरी होनी चाहिए। इंट्राडे में कुछ मूव मिल सकते हैं, तो चलिए 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि कल हमें मूवमेंट कहां पे मिल सकती है और एक्सपायरी किस लेवल के आसपास में हो सकती है। अब देखिए, यहाँ पे मैंने 15 मिनट का चार्ट लगा लिया और 15 मिनट के चार्ट में सुबह मुझे ये लग रहा था कि अगर बैंक निफ्टी 45,655 को निकालता है तो शायद एक मूव मिलेगा, लेकिन ये 650 के पास गया और वहाँ से नीचे की साइड में घूम गया। फिर मुझे लगा कि ये 48 निकालेगा यहाँ पे, तो नीचे की साइड में एक मूवमेंट यहाँ पे दे सकता है, लेकिन यहाँ भी नहीं, ये 500 के आसपास आके फिर से वापस ऊपर की साइड में चला गया, फिर नीचे गया। तभी मैंने ऑलरेडी आप लोग को टेलीग्राम में अपडेट करके बता दिया था कि बैंक निफ्टी हो सकता है आज ये ट्रैप करे, क्योंकि देखिए एक मूवमेंट मिल गया। जनरली क्या होता है ना, सुबह एक मूवमेंट बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं आपको देता हुआ दिखेगा। अगर ये नीचे की साइड में ही कल की क्लोजिंग से अगर नीचे आ जाता तो शायद नीचे की साइड की हमें मूवमेंट यहाँ पे मिल जाती, लेकिन ये बीच में ही क्लोज करके ऊपर की साइड में फिर गया। फिर यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन भी समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं समझ में आएगा? क्योंकि कल के लो के आसपास, कल की क्लोजिंग के आसपास ऑटोमेटिक अपने आप में सपोर्ट। मैं बार बार बताता हूँ कि कल का लो, कल का हाई, कल का क्लोज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कल का हाई इसने क्रॉस नहीं किया, कल का लो इसने ब्रेक नहीं किया, तो उसके बीच में ही कहीं पर ये ट्रेड कर रहा था, तो यहाँ पर हमें इसलिए मूवमेंट मिली नहीं। लास्ट आवर में जरूर थोड़े बहुत जाकर यहाँ पर कंसोलिडेट करके उसी जगह पर आके क्लोज कर दिया। नहीं देखा जाए बैंक निफ्टी तो जहाँ ओपन हुआ था उसी लेवल के आसपास आके इतने क्लोज कर दिया, और 15 मिनट के चार्ट में देखेंगे तो यहां पे आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो शांति से थोड़ा सा बैठना भी सीखना पड़ता है। अगर शांति से नहीं बैठ पाओगे ना, तो मार्केट आपको ट्रैप कर देगा। अब देखिए, कल के लिए क्या बेस्ट हो सकता है? कल के लिए यही है कि मार्केट वापस इसी रेंज में कहीं पर ओपन हो, यानी 45,480 से लेकर के 45,650 के बीच में ही कहीं पे ट्रेड कर दे। कि मेरा तो उम्मीद है कि इसी बीच में कहीं पे ये ट्रेड करते हुए दिखे। पहले यहाँ पे एक आध घंटे ट्रेड कर ले, और ट्रेड करने के बाद अगर एक कैंडल इसके नीचे क्लोज करे या फिर एक कैंडल इसके ऊपर क्लोज करे 5 मिनट की, तभी छोटी सी क्वांटिटी में ट्रेड करना। ध्यान रखना कि ऊपर की साइड में यहाँ पर रजिस्टेंस है, नीचे की साइड में हो सकता है ये कल का लो सपोर्ट का काम करे, तो ये आपको नज़र बना के रखनी है। बेस्ट मूवमेंट तो तभी मिलेगी जब मार्केट इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेगा या उसके ऊपर निकलने की कोशिश करेगा, तभी ये ध्यान रखना। लेकिन तब भी आपको ये समझ आना चाहिए कि हम क्लोजिंग हमने 700 पे दी है और यहाँ पे 900-950 जाते जाते यहाँ पे क्या होगा, लगभग 300 पॉइंट की ऑलरेडी मूवमेंट हो चुकी होगी, तो ये भी आपको समझना पड़ेगा। अगर हम 600 पे ट्रेड कर रहे हैं, 700 पे हम क्लोजिंग दे रहे हैं, 300 के आसपास आते हैं, तो यहाँ पर लगभग 350 पॉइंट की मूवमेंट हो सकती हो चुकी होगी, तो यहाँ पर ट्रेड यहाँ पर भी ट्रैप होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो सबसे अच्छा ट्रेड यही होगा कल के लिए, सबसे बेस्ट मूवमेंट यही हो सकती है कि मार्केट अगर इसी रेंज में कहीं पर ओपन होता है और यहाँ पर कुछ देर होल्ड करे। ध्यान रखिए कि जैसा आज होल्ड किया ना, कुछ देर यहां पे होल्ड करे, और होल्ड करने के बाद अगर यहां पे 45,722 ऊपर का लेवल है जहां से एक मूवमेंट हो सकता है कि मूवमेंट ऊपर की साइड में आए, लेकिन छोटे छोटे मूव के लिए जाना पड़ेगा। यहां पे नेक्स्ट मूवमेंट हो सकती है 45,799, उसके बाद 45,866 और उसके बाद 45,933, ये मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल सकती है। अगर इसने नीचे की साइड का ब्रेकडाउन दिया 45,455 का, तो यहाँ पे एक मूवमेंट नीचे की साइड में छोटी मोटी दिख सकती है, वो हो सकती है 45,388,
45,266 और उसके बाद 45,188 ये मूवमेंट के लिए जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा छोटी क्वांटिटी और छोटे ट्रेड लीजिएगा, क्योंकि जब तक मार्केट इस रेंज के बीच में है तब तक आपको कोई बड़ी मूवमेंट नहीं दिखेगी और मार्केट यहाँ पर ट्रैप कर सकता है। दोस्तों हमारा गिव अवे प्रोग्राम ने रखा है, इसका रिजल्ट आएगा 12 अगस्त को। ध्यान रखिएगा 12 अगस्त को रिजल्ट आएगा। गिव अवे का जो फर्स्ट प्राइज़ है वो है 111,111, सेकेंड प्राइज़ जो है वो 2 लैपटॉप है, थर्ड प्राइज़ है वो 3 मोबाइल है, फोर्थ प्राइज़ जो है वो है शायद 5 या 11 रिस्ट स्मार्ट वॉच है, ठीक है। फिफ्थ प्राइज़ है वो है 2,000 रुपीज़ कैश, जो कि 50 लोगों को दिया जाएगा 2,000। सिक्स प्राइज़ जो है 1,000 रुपीज़ कैश है, जो कि 100 लोगों को यहाँ पे दिया जाएगा। अगर आप भी फ्री ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो फ्री ट्रेनिंग जो स्टार्ट होगी वो 1 अगस्त से फ्री ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, और फ्री ट्रेनिंग के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के जरिए जाके आपको जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक्स, रिलायंस ब्लू, फायर, सीधे डायरेक्ट में किसी एक के साथ डीमैट अकाउंट ओपन करके आप फ्री ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर अगर बैंक निफ्टी कल गैप अप ओपन होता है इस लेवल के आसपास 45,000-45,900 के आसपास, तो यहाँ पर वेट करना पड़ेगा, कोई रेंज बनाएगा तो ही यहां पे आप ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि रेंज बनाने के बाद अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा तो एक मूवमेंट आपको यहां पे 150 से 170 पॉइंट की मूवमेंट यहां पे मिल सकती है। अगर हम 150 से 200 पॉइंट गैप अप ओपन होने के बाद कोई रेंज बनाते हैं, और रेंज बनाने के बाद देखिए जब ओपन होगा तो तुरंत बाइंग मत कीजिएगा, क्योंकि ये फिर से ट्रैप कर देगा, क्योंकि 45,000-46,000 के आसपास ये ओपन होगा। नीचे की साइड में ध्यान रखिएगा अगर ये 150-200 पॉइंट गैप डाउन ओपन होता है 400 और 300 के बीच में, तो यहाँ भी आपको रेंज का ही इंतजार करना पड़ेगा। बिना रेंज बनाए किसी तरफ ऊपर या नीचे निकल जाए तो वहाँ पर शांति से बैठ जाइएगा, वेट कीजिएगा प्राइस एक्शन का। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।